हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल जैनिश व्लॉग्स। तो आज मैं हैदरी आई हुई हूँ, जो कराची का मतलब क्लॉथ मार्केट ही इसको कह ले, ज़्यादातर मतलब यहाँ पे कपड़े ही होते हैं, उसी की वैरायटी होती है। तो मेरी सिस्टर्स थी और मेरा एक भांजा था, तो वो थे, हम बस चारों आए हुए थे। और ये सामने जो लाइटें दिख रही हैं, यही हैदरी है। और ये सारी पार्किंग है यहाँ की, तो हम ब्रिज क्रॉस करके आए हैं, तो ब्रिज से उतर रहे हैं इस टाइम। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम हैदरी का। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग को दिखा दूँ सारा। तो सबसे पहले जो मार्केट में गई हूँ, तो वो इसी मार्केट में गई हुई हूँ। और ये सारी मतलब वैरायटी थी, कैचर्स थे, पौनिया थी, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। तो अच्छी चीज़ें थी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और मुझे पसंद भी बहुत आई। आजकल ट्रेंड चला हुआ है सेम शलवार सेम प्रिंट में जो है सूट, तो उसका ट्रेंड चला हुआ था। तो हर एक स्टॉल पे आपको वही मिल रहे थे, शलवार शर्ट और ट्राउज़र जो है वो सेम। तो सारी वैरायटी इन्हीं चीज़ों की थी और सारा यही मिल रहा था यहाँ पे। तो काफ़ी वैरायटी थी इसकी और काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े इसमें ना मिल रहे थे। इतनी वैरायटी थी ना कि मैं तो कंफ्यूज हो गई कि कौन सा लूँ कौन सा लूँ। तो इसी में ना मैंने एक भी नहीं लिया। तो मैंने काफ़ी देखे, हर एक स्टॉल पे देखे, और मुझे सारे बहुत अच्छे लगे, और मतलब सारे प्रिंट मुझे अच्छे लगे। तो कहीं तो लगता था कि नहीं ये डार्क है, तो कहीं लगता था नहीं ये लाइट है, और कहीं मुझे लगता था कि नहीं ये तो ज़्यादा मतलब हेवी हो जाएगा, ये हो जाएगा वो। तो इसी में मैंने सारे स्टॉल देखे, लेकिन मैंने लिया एक भी नहीं। और ये ओनली 1500 का मिल रहा था, और बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस थी। स्टिचिंग बस सही थी, नॉर्मल थी। अगर आप कपड़ा लेते हैं और स्टिच करते हैं तो वो तो मतलब 2500 से कम नहीं होता। तो ये यहाँ पे बड़ा मतलब अच्छे और रीज़नेबल प्राइसेस में ये सारा मिल रहे थे, और काफ़ी लोगों ने पहने भी हुए थे, मैंने देखे भी काफ़ी लोगों ने ये पहने हुए थे। तो इस तरह से ये ना आजकल यहीं चला हुआ है, और बहुत प्यारे लगते हैं ये। तो अब ये मुझे लग रहा था कि नहीं ये लाइट है, येलो मुझे लग रहा था कि नहीं ये तो मतलब ज़्यादा ही वो हो जाएगा। तो बस इसी इसी में ना हमने सारे देखे और लिए नहीं। और यहाँ पे चप्पल बड़ी अच्छी मिल रही थी, तो 500 की ओनली मिल रही थी। तो मैं मेरी सिस्टर ने अम्मी के लिए लिए, अपने लिए लिए, और मैंने जो है चूज़ नहीं किए, तो बस मैंने नहीं लिए, लेकिन मेरी सिस्टर ने दो लिए। तो इस तरह से ये सारी पड़ी हुई थी, और काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे थे, ज़बरदस्त थे चप्पल जो है, स्लीपर्स बड़े ज़बरदस्त थे। और ये वाले अम्मी के लिए लिए थे, ये जो आप देख रहे हैं ये अम्मी के लिए लिए थे मेरी सिस्टर ने। तो इस तरह से ये बाई थे। और यहाँ पे सारा मतलब काफ़ी रश लगा हुआ था, और सारे लोग आए हुए थे। अब मैं दोबारा उसी मतलब दोबारा किसी और स्टॉल पे मैं गई थी, वो एक तो हमने देख लिया था, अब हम इस स्टॉल पे आए थे। तो यहाँ भी काफ़ी देखने वेखने के बाद ना यहाँ पे भी हमने नहीं लिया। और यहाँ भी काफ़ी अच्छे कलर थे, पिंक, आपको जो भी कलर चाहिए, आपको जिस डिज़ाइन में चाहिए, मतलब स्टिचिंग तो सेम थी लेकिन प्रिंट जो है वो अलग अलग थे। तो काफ़ी अच्छे मतलब थे यहाँ पे। तो बस इस तरह से ना हम देख रहे हैं। फिर यहाँ पे हमको लग गई भूख, तो हमने खाया बर्गर, कराची का बर्गर, बहुत ही यमी था, बड़ा ज़बरदस्त था। तो ये बर्गर हमने खाया और बड़ा ही हमें मज़ा आया। तो मेरे बांचे ने जो है वो रोल लिया था, लेकिन हम तीनों ने जो है बर्गर लिया हुआ था, और बड़े मज़े का ये था। ये ओनली 100 के 150 का था, बस 100 का था शायद, बड़ी ही रिज़नेबल प्राइस में, और बड़े मज़े का ये बर्गर था। तो अंकल उसी टाइम बस बना रहे थे और दे रहे थे, काफ़ी रश था। और ये वाले अंकल थे, ये देखें ये वाले अंकल बना रहे थे, और ये जो है ये ऑनर थे जिनकी दाढ़ी है। तो बस इस तरह से ये सर्व करने वाले अलग एक बच्चा था। तो इस तरह से ना फिर हमने जो बर्गर खा लिया, और मेरे भांजे ने रोल भी खा लिया, तो उसने जो है फिर स्लाइस ले ली, और हमने जो है लस्सी का ऑर्डर दिया था, तो हमने लस्सी फिर पी ली। और कराची की लस्सी की ना बात ही अलग है, मतलब उसका कोई दूसरा वो नहीं है। कराची की लस्सी की आपको माननी पड़ेगी, मतलब ज़बरदस्त लस्सी होती है, और बड़े मज़े की होती है, और बहुत ही अच्छी। और बलाई डाल के ना मीठी वाली लस्सी हमने ली थी, और बड़े मज़े की थी। तो हम तीनों सिस्टर ने ये जो है लस्सी ली हुई थी। तो बस ना मुझे घर जाके भी ना याद आ रही थी लस्सी। और इस तरह से फिर हमने खा वा के ना,
और एक ना मैं स्पेशली जो मैं जाती थी ना कहीं, तो मैं खाने के लिए भी जाती थी, क्योंकि मैं पेशावर में बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कराची के खाने को, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सिंपल सिंपल चीज़ें मिलती हैं, मतलब बीफ रोस्ट हो गया, पुलाव हो गया है। पेशावर में जो है बिरयानी बहुत कम ही मिलती है, लेकिन कराची में आपको जगह जगह मिलेगी, आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेगी और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, खाने की चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है इनकी। तो मेरा सारा वहाँ ही गुजरा है, तो मुझे इसी के टेस्ट की मुझे आदत है कराची की चीज़ों की। तो मैं बस जाके ना खा के तो मैं ज़रूर आती थी जो भी हो, और बड़ा ही मतलब मुझे अच्छा लगता था वहाँ खा के ना, बड़ा ही मज़ा आता था। और यहाँ पे वो टेस्ट आपको नहीं मिलता पेशावर में, यहाँ के पीके काने वो मतलब अजीब अजीब से पीके काने होते हैं यहाँ के। तो फिर हम दोबारा से वहीं लग गए, वही सेम प्रिंट में जो है हम देख रहे थे बाहर जब हम निकले हैं, तो उस टाइम हम देख रहे थे, तो बस हमने छोड़ना नहीं था और हमने लास्ट तक जो है सारे प्रिंट्स देखने थे, तो सारे हमने देख लिए थे यहाँ पे। तो बस इस तरह से हम बस निकल रहे थे, और हमने रिक्शा कराना था और बस फिर घर पहुँच जाना था, क्योंकि मैंने ज़िमल को छोड़ा हुआ था, अब्बास और निदा सबको मैंने घर पे छोड़ा हुआ था, और मेरी अम्मी घर पे थी, तो बच्चे सारे मेरी सिस्टर के और मेरे अम्मी के पास थे। तो इस तरह से ये सारे स्टॉल लगे होते हैं, ट्राउज़र पजामे आपको जो भी चाहिए। तो मेरी सिस्टर को जो है कप चाहिए थे घर के लिए, तो वो यहाँ पे जो है कप बाय कर रही, तो मेरा जो बांचा है ना वो भी उसकी हेल्प कर रहा है, और उसको ना बड़ा अच्छा मतलब आइडिया होता है कि कौन सा अच्छा लगेगा, तो वो ही जो है सिलेक्शन कर रहा था। और फिर हमने ये वाली कप लिए, क्रीम कलर वाले कप हमने लिए। तो इस तरह से आई होप सो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने ज़रूर 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 जो है मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, और ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लाइक करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो करेंगे, तो मैं जो है और अच्छी सी वीडियो आप लोग के सामने जो है लाऊँगी, और आप लोग को पूरा कराची दिखाऊँगी मैं। तो आपने कमेंट में यही बताना है आपको कौन सी जगह देखनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।